कॉफी बना दो। बेबी कॉफी बना, मैं आंख में दर्द हो रही है बेबी। आंख दर्द हो रही है? जिससे चश्मा किस लिए पहना था मैंने? बेबी मुझे पता है बीबी की आंख में इन्फेक्शन है, लेकिन सुनो तो सही, ये तो बता दो इन्फेक्शन आया क्यों है? क्यों आया बताओ। बेबी को किसी डॉक्टर ने दवाई दी थी और वो बोला था कि ये आंख में डालना दिन में 2 ड्रॉप। वो आंख से मैं उससे इन्फेक्शन हो गया। तो बेबी ने 2 ड्रॉप में नहीं मानी। बेबी बेबी के हाथ से वो ना पिचक गई बोतल, अरे पूरी की पूरी बोतल बेबी की आंख में चली गई और बेबी एक आंख से हो गई कांड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम से मुझे सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दे वांटेड टू सी माय किचन। मेरी आंख में इन्फेक्शन हुआ है तो ये चश्मा आज मैं व्लॉग भर लाते हुए पहन के रखने वाली हूँ। मतलब मैं अविनाश को भी ज्यादा ऐसे क्लोज गई तो अविनाश को भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेरी पूरी आंखें यू नो यहाँ तक सूजी हुई है तो मैं चश्मा नहीं उतार सकती। तो आज का व्लॉग रहेगा इस चश्मे में और किचन दिखाऊंगी आपको अपने चश्मे के थ्रू। चश्मा नहीं तो जूता तो उतारी दो, मेरा पैर दबा दिया। अरे अरे सॉरी, एक सेकंड में पीर रहने तो ना, हील भी पहनी हुई है तो मैं तुम्हारी हाइट के बराबर आ पा रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम जो भी वीडियो अब तक डालते थे किचन से रिलेटेड अगर किसी ने भी कमेंट कर दिया तो उसके नीचे इतने लाइक्स आते थे 100-150 भाई, किचन टूर। तो हमने फाइनली डिसाइड किया, हम एक्चुअली इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि हमारे किचन में थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बचा हुआ था जो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की तो हमने कहा छोड़ो फिनिशिंग, आज इस वीडियो को बना डालते हैं। मतलब ये ना हो कि ये फिनिशिंग का काम जो मुझे दिखता है ये कारपेंटर लोग कभी खत्म करेंगे ही नहीं, जहां तक मुझे दिख रहा है। बड़ा तंग किया इन लोगों ने, हो गया जो हो गया, अब किचन हमारी जो बन गई वो बन गई। किचन बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि हमारी किचन बहुत ढिंचक होगी तो नो, इट इज अ वेरी सिंपल किचन। जैसे आप लोगों की किचन है वैसी हमारी किचन है, सिर्फ ये है कि मैंने अभी बनवाई है क्योंकि बहुत जरूरी था। मेरा सामान बहुत अजीब तरीके से और अभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखा नहीं हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है। मेरे ट्रेवल्स रहे हैं, मेरा काम रहा है, प्लस मम्मी की तबीयत की वजह से मैं बिल्कुल भी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोगों को आज मैं अपना किचन टूर कराने जा रही हूँ। तैयार हो आप लोग ना, आ जाओ। यहाँ से शुरू होती है मेरी किचन। ये रहा एक प्लेन सा दरवाजा जो खुलेगा किचन की ओर और आपको ले आएगा किचन के अंदर। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी चीज दिखाने जा रही हूँ, सिंपल किचन है, देख के हैरान रह जाओगे क्योंकि सास भी के बहुत ही का इंट्रो लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो मेरी रही किचन। Before I start, मैं आपको अपना favorite areas पहले दिखा देती हूँ किचन के। सबसे पहला जो है ये रहा मेरा सारा मग्स, सारे के सारे मग्स आप इसमें देखोगे। मेरे कोको चेरी वाले मग्स भी हैं। तब तक पता है कैंडी नहीं थी मेरी लाइफ में, सिर्फ यही दोनों थे। और आप ये नीचे देख सकते हो कि ये अविनाश और मैं। एक मेरे को ये मेरा बड़ा फेवरेट मग है, कुत्ता पजामा, एक कुत्ता और उसने पजामा पहना हुआ है तो ये वाला मग है जो मैं बहुत यूज करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने फेवरेट एरिया में लेके जा रही हूँ और वो है ये। ये रहा बटन ऑन किया, ये रही बॉटल, पानी के लिए पानी डाला। तो ये दिस द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई डू, पानी गर्म करके पीना। तो बिफोर आई शो यू द किचन, मैं अपनी जरा चाय बना रही हूँ और ग्रीन टी मैं कौन सी पीती हूँ वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट ट्राई दिस ग्रीन टी। सो दिस इज द चाय जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गिरनार की डिटॉक्स ग्रीन टी, देसी कावा कहते हैं इसको। और ये ना चाय में नमक होता है, ऐसा वाला पैकेट आपको दिखेगा। स्टार्ट हैविंग दिस चाय, यू विल लव इट। ऑलराइट, सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहली चीज है मेरी फेवरेट जगह जो मैं सुबह आते ही यूज करती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले अपनी कॉफी पीती होंगी तो नहीं, पहले मैं सबसे पहले ये पीती हूँ, तो उसके बाद ये सब जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं अपनी कॉफी पे आती हूँ। तो किचन की स्टार्टिंग अगर करेंगे तो सबसे पहले आता है फ्रिज।
ये रहा फ्रिज, ये सैमसंग का फ्रिज लिया था और अविनाश मना करता रह गया पता नहीं क्यों, बट आई लव दिस फ्रिज। अगर आप लोगों को खरीदना हो तो देख लो, ये सैमसंग का है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। माइक्रोवेव इधर रखो सामान और ये हो जाएगा गर्म। तो ये अवन ऐसे ऐसे भी यूज नहीं होता, वैसे भी यूज नहीं होता। इसके एक और रीजन है ना यूज होने का, क्योंकि अब जो हमने ग्रिलर ले लिया है ना घर में तंदूर, उसकी वजह से और भी कुछ भी यूज नहीं होता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें पापा जो है मेरे बहुत सारा खारी नमकीन बिस्किट ये सब खाते रहते हैं, ये पापा के लिए ये सेक्शन, और इसमें ऑल्सो पानी की बॉटल रहती है। तो जैसे आप देखोगे ये खारी का डब्बा वब्बा दिख जाएगा आपको। इसके नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एक्चुअल वेइंग मशीन, जो कि अविनाश और मेरा जब खाना बनता है तो हर एक चीज इसमें मेजर होती है। जब भी हम लोग डाइट पे जाते हैं, तो अभी हम लोग ऑब्वियसली डाइट मैंने शुरू कर दिया है, थोड़ा रैंडम डाइट शुरू करी है, लेकिन शुरू कर दिया है, लाइक ऑफ कार्ब्स में चली गई हूं। अविनाश कीटो कर रहा है, तो उसको पूरा मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाती हूं अपना हेल्थ सप्लीमेंट सेक्शन। ये है फिश ऑयल जो अविनाश और मैं दोनों लेते हैं, ये देख लो। ये है अविनाश का सप्लीमेंट आइसोप्योर। सो ये पता नहीं कौन सा वाला ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो फ्लेवर में भी? चॉकलेट जीरो कार्ब। चॉकलेट जीरो कार्ब तो नहीं हो सकता, ये लो कार्ब है, ठीक है। ये अविनाश का है, कुछ क्या क्रेटिनाइन है और ये कुछ ग्लूटामाइन है, ये सब अविनाश का है। अब मैं दिखाती हूँ मेरा सप्लीमेंट जो की है ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स। ये मैं आपसे पहले भी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। लड़कियों के लिए खासियत इसकी ये है, इफ यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस तो वन स्कूप ऑफ दिस एंड यू आर डन। सो इट इज गुड फॉर योर बॉडी टोनिंग, मेटाबॉलिज्म एंड स्किन एंड हेयर। ये लेना शुरू कर दो, बहुत सारी लाइफ में एक्चुअली चीजें आपकी सॉल्व होंगी। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स सोय फ्री, ग्लूटेन फ्री। तो ग्लूटेन फ्री जितना भी आपको सोजिश वगैरह होती है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी, तो ये उसको कम करता है। प्लस देयर इज नो आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है इसके अंदर, कोई फ्लेवर नहीं है, आपको टेस्ट ज्यादा आपको दिखेगा भी नहीं इसका, लेकिन बहुत ही उम्दा है, बहुत बढ़िया है ये। तो ये लोग लड़कों के लिए नहीं बनाते प्रोटीन? नहीं, मुझे लगता नहीं बनाते ये। नहीं, इसका डब्बा इतना छोटा है ना, कैरी करना आसान है। उतना बड़ा प्रोटीन का डब्बा लेके मैं जाता हूँ ना फ्लाइट में, वैसे ही मुझे उतार देते हैं जी, 1 किलो तो आपका प्रोटीन हो गया। आप इसको पानी या दूध किसी भी ले सकते हैं। तो मैं अपनी एक्सरसाइज के बाद भी ये लेती हूँ। सो मैं ये रिकमेंड सभी लोगों को भी करूंगी, मैं तो लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे ऐसे वाले ग्लास है। स्टारबक्स का ये भी स्टारबक्स का ही है। स्टारबक्स। बेबी इसको अंदर रख दो। किसको? ये सब अंदर रख दो। अभी सब मैं क्यों अंदर रखूंगा? बेबी मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, चलो उठ जाओ। किसने बोला था इतना सब निकालने को? मैं अकेले रखूंगा सब। हाँ मैं सब तुम्हें प्रोटीन सब बना के देती हूँ, तो मेरी इतनी मदद नहीं करोगे? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इस सेक्शन की बात करते हैं, तो ये मेरा सेकंड फेवरेट सेक्शन है, उसका कॉर्नर में देख सकते हो आप क्या है। उस कॉर्नर के बाद मेरा इस कॉर्नर में ज्यादा काम रहता है। खाना वाना मैं बहुत कम पकाती हूँ, बहुत हार्डली, मतलब अगर गेस्ट आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए तो मैं पकाती हूँ, अदरवाइज मैं किचन में ज्यादा एंटर नहीं करती। तो अगर मैं आपको ये बताना हूँ कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, आई रियली डोंट नो। अगर आप ऊपर के सेक्शन में देखोगे तो ये सब मसाले रखे हुए हैं, ये सब, ये भी आप दाले वाले देखोगे इसमें। आपको याद होगा जब मैं किचन की सामान हम लोग लेने जा रहे थे, तब हम लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया था। और इसका एक वाला फ्लेम है ना, एक फ्लेम, ये काफी अच्छा चलता है, आपको दिखा देती हूँ। And this is the chimney. So ये चिमनी है, इसका आपको दिखा देती हूँ। ये लाइट जल जाती है, आपने लाइट देखी होगी इसका। आप यहाँ तक करो, जितना ज्यादा आप यूज कर रहे हो उतना आप आगे तक बढ़ा सकते हो। ये आवाज मैक्सिमम है, थोड़ी ज्यादा है लेकिन ठीक है। और आप यहाँ से ही बंद कर दो इसको। ये हॉबिन चिमनी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे चलते हैं, जो हमने ग्रिलर लिया था, जो तंदूर लिया था, वो ये है। थोड़ा थोड़ा गंदा भी हो गया क्योंकि इस्तेमाल हुआ है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये, आपने ब्रश पे ऑयल लगाया थोड़ा सा और इसको सिर्फ ऐसे स्प्रेड कर दो, ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। और अपना आपने पनीर रखना है या चिकन रखना है या फिश रखना है, इस पे आप करो। ये जो है इस बटन को आप ऑन कर दो, तो ये ऑन हो गया। अब आप इसको जितने भी आप इसके 7, 8, 9 किस पे भी लेके जाओगे, उस हिसाब से वो गर्म होना शुरू करेगा। और गर्म होते होते ऐसा तंदूर लावा निकलेगा ना अंदर, लाल 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 हो जाएगा। मैं इसको बंद कर रही हूँ अभी। ये बहुत सही आइटम दी हमने अविनाश, इसके लिए मैं तुम्हें भी थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मैं ये खरीदना नहीं चाह रही थी तब, मुझे लग रहा था ऐसे ही स्पेस थोड़ी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें लावा स्टोन्स है जो कि ज्वालामुखी के पत्थर होते हैं, तो मतलब आप इसको जिंदगी भर चलाओ, इन पत्थरों को धो दो, वापस डाल दो, ये कभी भी फूकने वाले नहीं है पत्थर, और ये हमेशा मस्त ग्रिल खाना देते रहेंगे। बाकी मेरा किचन का जो मेरे को जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये मैंने किया था जो कि मुझे अच्छा लगा।
बेसिक है ऐसा कोई। ये टाइल तो मेरी पसंद की थी। नहीं नहीं हेलो, ये मैंने पसंद करी थी अविनाश, ये मैंने पसंद किया था, मुझे आज तक याद है यार। बेबी तुम झूठ बोल रहे हो, ये मैंने किया, ये मैंने किया है। बेबी झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं ठीक है। अरे जब ये मैंने किया था उसके बाद मैंने ये किया था, मैंने कहा था ये लाइट रहेगा, मैंने चूज किया था ग्रेनाइट कौन से कलर करेगा और वो कौन से कलर करेगा। ओके तो फिर तुम बना लो वीडियो, तुमने किया था ना। आओ तुम बनाओगे वीडियो, आ जाओ आ जाओ बेबी आओ। हाँ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो। वीडियो तुम्हें बना लेकिन किया मैंने था। बेबी क्या जल रहा है, बदबू आ रही है। वो जलाया था ना, ऑन किया था ना लावा स्टोन। अच्छा, उसकी स्मेल आ रही है। अब मेरे को पीछे से बंद भी कर देती हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों किचन में मुझे चाहिए था कि मैं पूरी वाइट रखूँ किचन और सिर्फ जो कलर हो वो स्लैब पे हो और इतनी दीवार पे हो, लेकिन जो कि आधी दीवार है, तो मैंने एग्जैक्टली वैसे रखी है। थोड़ी किचन और बेटर बन सकती थी बट इतना ज्यादा मेरे पास टाइम था नहीं। उस समय बहुत ज्यादा चीजें, बहुत उथल पुथल जिंदगी हो गई थी, तो किचन में बहुत ज्यादा हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सके। टाइम कहते हैं दिमाग इन्वेस्ट नहीं कर सके। जो बन गई अब बन गई, जैसे मैं चाहती थी अभी भी वैसी नहीं बनी है, लेकिन अब ठीक है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ फिर भी, जैसे ये पूरा एंटायर चीज हमने व्हाइट रखी है। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो थोड़ा और डार्क है, बट विच आई रियली लाइक। इवनिंग आते आते तक, बिकॉज इट्स अ सी फेस हाउस, अगर आप देखोगे तो पूरा सी फेस है, आपको पूरा समुंदर दिखेगा वहां पे। तो जो ये खिड़की खुलती है और इसमें आप चाय अपनी बनाते हो या कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आपको बड़ा मजा आता है। यहाँ पे बहुत क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो हवा हवा बहुत अच्छी तरह से चलती है, तो आई लव इट। किचन में ज्यादा मैं आती नहीं हूँ, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। फिर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मत करना कि आपने ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया, क्योंकि फिलहाल तो मुझे ये भी पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पड़ी। जो मेरी बेसिक चीजें हैं वो मुझे पता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो खिड़की है ये इसका डबल साइज था, ये खिड़की यहाँ तक थी। हाँ, ये हमने तोड़वा के इसको कम करा था। यहाँ तक खिड़की थी, यहाँ तक थी। हाँ, और यहाँ पर क्योंकि हॉब और चिमनी के लिए स्पेस नहीं बन रहा था, हमने बहुत सारे डिजाइन लिए, फिर फाइनली हमको अपनी खिड़की छोटी करानी पड़ी, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। दुख है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और ये हमने खो दिया। ये रहा मेरा जार, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। बिल्ली कुत्ता हाथी सब बने हुए इस पे, फूल पत्ते, बट इस जार का कोई मतलब नहीं है। सब लोग जैसे बर्तन रखते हैं अपने, वैसे हम भी रखते हैं, ये सब बर्तन ही रखते हैं। इधर वाले सेक्शन पे आ जाऊं, चावल आटा ये सब चीजें रखी हैं, मेरी बेबीज का सामान भी रखा है। मैं बेबीज को एक एक दे देती हूँ। आगे चलते हैं, इसमें आप देखोगे कि सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। दैट्स इट। तो मैं पूरा घूम घूम के आपको डिटेल में डस्टबिन कहाँ है और क्या कहाँ है ये सब नहीं दिखाऊंगी, बट जो मोटा मोटा मैं आपको दिखा सकती हूँ आपको दिखा देती हूँ। ये ग्लासेस वगैरह है, ये सब पड़ा है ऊपर, वाइन ग्लासेस वगैरह सब रखे हैं, बट ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इधर भी पूरे कप्स हैं, इधर भी पूरे कप्स हैं और इधर भी पूरे मग्स हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो आप देखोगे इसमें काफी सारे कप सॉसर वगैरह और कप से केटल वगैरह सब रखी हुई है, बट ये जितने भी आप दारू की कुछ बॉटल्स देखोगे ये हम लोग भी पीते हैं, हमारे फ्रेंड्स के लिए है, और ये बहुत पहले से रखी हुई है। फ्रेंड्स भी काफी टाइम से कोई नहीं आया घर पे, तो ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, जब भी वो आएंगे तो यूज हो जाएंगी। सो ये रही हमारी किचन, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ जितना बना पाए बनाए। आई होप आप लोगों को हमारी ये किचन अच्छी लगी। बेबी मैंने कुछ बताने में कमी छोड़ी है क्या? तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, तुमने जरूरत से ज्यादा बता दिया है, जो जो नहीं भी बताना था वो भी बता दिया। अरे ऊपर तो दिखाया नहीं, ऊपर ये सब है टॉयलेट रोल्स। अब टॉयलेट रोल्स ही दिखाना रह गया लोगों टॉयलेट रोल्स नहीं देखे। भाई बहुत सारे लाके रखे हुए थे, सस्ते मिल रहे थे इसलिए लाके बहुत सारे रख दिए। कमोड भी दिखा दो, हम आपको अपना कमोड और फ्लश दिखाते हैं, वो अलग है, उस पे बैठना पड़ता है, बिल्कुल डिफरेंट है। और फ्लश में आप एक उंगली से दबाओ तो पानी आ जाता है, इतना इंटरेस्टिंग है हमारा कमोड और फ्लश। और आपको दिखाएंगे हमारे बाथरूम में शावर भी है, उसमें से पानी आता है, आपको पता है ये बात? फिर तुम ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ। बेबी अच्छी, एक गृहिणी, कुशल गृहिणी का ये काम है कि सस्ती सुंदर टिकाऊ चीजें घर में लाके रखे। मैं और ये बताया लोगों ने कि फ्रिज में खाना ताजा और ठंडा रहता है, ये बताया कि नहीं? मैं फालतू की बात मत करो। आपको पता है फ्रिज एक चीज होती है, बस हो गया बस हो गया बस हो गया, जो सिर्फ हमारे घर में है और उसमें आप ठंडा पानी पी सकते हो। और हम पीते नहीं है, ये भी बताओ ना, हम ठंडा पानी नहीं पीते, हम नलके का पीते, मतलब एक्वागार्ड का। नलके, नलके का मतलब एक्वागार्ड का। तो ये जरूर बताइए कि आपका हमारी ये किचन कैसी लगी, जैसी भी बना पाए बना ली। तो आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरी किचन में क्या क्या चीजें अच्छी लगी, क्या क्या चीजें बुरी लगी। हो सकता है बुरी ज्यादा हो, बट मत मेंशन करना, मुझे नेगेटिव चीजों से ना धक्का लगता है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करना तो मेरे को एक वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहन मिलेगा नया वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों को मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर एंड डू राइट, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट।
fingers number.